वेलकम बच्चों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, मेरा चैनल का नाम है विकास चौबारी सर। ठीक है, आप यूट्यूब पे इतना भी टाइप कर देंगे तो आपको 12th साइंस के, 11th साइंस के, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, अभी इसके पहले के वीडियोज़ में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करने के पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, और साथ साथ और भी लोगों को, और भी बच्चों को बताइए। ठीक है, तो थैंक यू। चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। हमें क्या दिखना है? कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। मान के चलो कि हमारे पास दो लाइंस है, लाइन L1 है जिसका स्लोप है M1 और दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है M2। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल कब होगी? जब इनके स्लोप कैसे रहेंगे? इक्वल। यानी दो लाइन पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी? M1 इक्वल्स टू M2। अब हमने देखा था इसके पहले कि स्लोप ऑफ द लाइन किसमें एक्सप्रेस करते हैं? टैन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है टैन ऑफ थीटा वन इक्वल्स टू टैन ऑफ थीटा टू है। ठीक है, तो भी दो लाइन क्या रहेगी? पैरल रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जॉइंट इक्वेशन निकालते समय आपको काम आएगी। ठीक है, ऐसी ही दूसरी कंडीशन है जिसका नाम है परपेंडिकुलर लाइन्स। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब कंडीशन कैसे रहेगी? मान के चलो कि एक लाइन है L1 जिसका स्लोप है M1 और दूसरी लाइन है उसका स्लोप है M2। ठीक है, हमें दो स्लोप पता है तो ये दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, मतलब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री कब होगा? जब ये दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ द प्रोडक्ट M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1 रहा तो हम क्या निकाल सकते हैं? तब क्या कह सकते हैं? दो लाइन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये फॉर्म अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, इसे अपने कॉपी में उतारिए। अब हम अगला देखेंगे कि अगर हमें दो लाइन दी है उसके बीच का एंगल अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। अगला हमारा फार्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। मान के चलो कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप है M1 और दूसरी एक लाइन है जिसका स्लोप है M2। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑब्टेन बाय द फार्मूला टैन थीटा इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, ये दो इस फार्मूले से क्या निकालते हैं? दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ, हमारे पास लाइन L1 है जिसका स्लोप है M1, हमारे पास दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है M2। ठीक है, तो टैन थीटा इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं? टैन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। इस फार्मूले से दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमारी अगली जो कंडीशन है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अगर हमें कोई एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दी है तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो मान के चलो कि एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई और एक लाइन है हमारे पास एल जिसका इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो क्या है? पीएम है। कितना है? पीएम। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या फार्मूला है? पीएम इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में यूज़ होगा
और साथ साथ कोनिक सेक्शन जो आप 11th स्टैंडर्ड में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला ठीक है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते समय इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम अगला जो टॉपिक है वह है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स, दो पैरल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स फाइंड करना है। मान के चलो कि हमारे पास एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, ठीक है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। सपोज इसका इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल्स टू जीरो, दूसरे लाइन का इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे नोट डाउन करो, ये जो टर्म है ये टर्म दोनों इसमें कैसी है, कॉमन है, यानी पैरल लाइन में कैसी रहेगी, कॉमन। ओनली डिफरेंट क्या रहेगा, इसके कॉन्स्टेंट। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स इज कैलकुलेटेड बाई द फार्मूला मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ A² प्लस B². ठीक है, इस फार्मूले से दो लाइन के बीच का क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा है बेसिक का, वो हम अभी देखने वाले। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बचा है हमें। इसके पहले हमने देखा था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या पढ़ा था हमने, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस। वो हमारा फॉर्म क्या था, AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू जीरो, इस इक्वेशन को कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस लाइन से हमें स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप किससे बता, इंडिकेट करते हैं एम से। ठीक है, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कैसे पढ़ेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, इससे क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन्स। ऐसे ही हम यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, उसके लिए क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को जीरो करना है। ठीक है, अगर हम वाई को जीरो करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा AX प्लस C इक्वल्स टू जीरो, तो AX इक्वल्स टू माइनस C, तो X इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस C बाय A, मतलब एक्स इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है माइनस C बाय A, क्या होता है, माइनस C बाय A। उसी प्रकार y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू जीरो, अगर इसे जीरो पुट करते हैं तो इक्वेशन मिलेगा by प्लस C इक्वल्स टू जीरो, सो by इक्वल्स टू माइनस C, तो इससे इक्वेशन मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस C बाय B, यानी y इंटरसेप्ट निकालने का फार्मूला कितना होता है, माइनस C बाय B। ये लाइन और प्लेन में जो वेक्टर के बाद चैप्टर है उसमें इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स में इसका यूज होगा, तो ये भी फार्मूला आपको अच्छे तरीके से रिमेम्बर करना है। तो ये सारे होते हैं फार्मूले ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ते समय काम आएगा। ठीक है, अब हम हमारा टॉपिक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो चैप्टर हम अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में से हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, जिसका नाम है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा जो 12 से रिलेटेड है। तो ये सारे जो फार्मूलेज है ये आप अपने कॉपी में अच्छे से उतारिए, इसका चार्ट बनाइए और अच्छे से रिमेम्बर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।